हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटन हेयर्स करने सिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने बालों के सेक्शंस बना लेने हैं, तीन चार कैचे यूज करने हैं। तो मुझे थोड़ा सा लेट वीडियो बनाने याद आए, इसलिए मैंने जो है वो बैक साइड से पहले जो है आप लोगों ने करनी है, फ्रंट से बाद में करनी। तो मैं यहाँ से ये छोटे छोटे सेक्शंस पकड़ के फिर इसको स्ट्रेट करूँगी। मिरर के सामने आप लोगों ने खड़े हो जाना है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है। और यहाँ से आपने अंदर की तरफ टर्न करते जाना है ताकि नीचे से जो है वो राउंड से शेप आ जाए ऐसे। सबसे पहले आप उन्हें स्ट्रेटनर इसको प्री हीट कर लेना तकरीबन 30 to 40 मिनट। प्री हीट करने के बाद आप लोग इसको यूज़ करें। मेरे पास जो है वो ये रेमिंगटन का चेन वन है, दिस वन रेमिंगटन 2 in 1 है। इसके साथ क्रिम्पर है और साथ में स्ट्रेटनर है। तो ये मैंने जो है वो कराची से लिया था, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी बहुत ज़्यादा प्री हीट होने के बाद बहुत अच्छे से हो जाता है ये। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको स्ट्रेट कर लेना तकरीबन 2-3 बार जो है ना वो अप्लाई करने से बड़े अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं तो कितने अच्छे से ये स्ट्रेट हो चुके हैं। ये देखिए, ये मैंने स्केचेज यहाँ पे 2 अप्लाई किए हैं मैं। ये देखिए, इस तरीके से बाल जो है वो थोड़े थोड़े सेक्शन जो है वो खोलते चले जाना है और साथ साथ जो है वो अप्लाई करना है, कॉम करते रहना। बड़ी लेट होने के फायदे अगर आप इसको ज़्यादा बाकी लेकर तो कोई मसाला नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं कितने अच्छे स्ट्रेट होते हैं। मैं इस साइड से पूछने लगा और यहाँ से आपने इसका हाथ लेना है, फ्रंट वाले को एंटर करना है। इसको आपने यहीं पर राउंड करके ठीक से और कैचर लगाया इसको सबसे अच्छे स्ट्रेटनर होते हैं। स्ट्रेट रोल आप जो भी जो करें, मेन चीज़ है सेक्शन बनाना। सेक्शन आप अच्छे बनाओगे, इसमें आप स्ट्रेटनर ट्रिम्पर रोल जो आप करेंगे बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें वो रोल करूँ स्ट्रेटनर। मेरा स्टेटनर है वो ये जो यहाँ पर लॉक आपको नजर आ रहा है, इसलिए ये लॉक करने के लिए और स्टेटनर को जो है वो सेट करने के लिए। लेकिन मेरा ये बटन है वो खराब हो गया, तो इस वजह से मेरा ये फेवरेट स्टेटनर इसलिए मैं इसे करूँगा। अगला नेता छोटा वाला भी आप छोटे लेकिन आरंभ में पसंद नहीं, इसलिए मैं करूँगा। फिर ये कितनी जल्दी होता है इसमें करूँगा। अब पगल करेंगे मेरे पास कर लिया था ना, नीट का दिया तो बाहर होते हैं वो स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया। चीज़ निकालती हूँ ऐसे आपने को बालों के बैठे इसके साथ करके करके नीचे और फिर ऐसे अंदर करके करने जाना ताकि ऐसे अंदर करके कि आशी दे 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 दे। अगर आप लगे ऐसे नहीं हो आप अपने सेक्शन को बाहर पकड़ें इसको ऐसे करें और ऐसे अप्लाई करें। सो जी आप उसे अगले लेने थोड़ा प्रॉब्लम तो आपको पता लगेगी, आप क्या होता है बात है। अगर आपको करें फिर आपको डिपेंड तो लाजमी बात होगी, इसलिए अंदर परेशान नहीं होना। बाने आप पहले जाए थोड़ा सा पढ़ें स्ट्रेट हो गए, उसके बाद ऐसा आप देखें कि जो स्ट्रेट नहीं आप सेक्शन बंद पड़े जैसे कि मुझे ज़्यादा बाल भी हमें मेरा नजर नहीं आ रहा है। तो इन्हें आपने ऐसा सेक्शन ऐसे ऐसे इनको ध्यान स्ट्रेट कर दूँगी। बाल में थोड़ी सी हैं और बाद में भी होने अदरवाइज होते नहीं है। तो वैसे भी जो है वो स्ट्रेटनर वाला जो है ज़्यादा अच्छा होता है। स्ट्रेटनर मेरे हो चुके हैं डन। अब मैं थोड़ा लाइट सा मेकअप कर लूँगी ताकि मेरी जो ईद लुक है वो फाइनलाइज हो जाए और फिर हम लोग कुछ ईद की सेल्फीज बना लें, बिकॉज इट्स अ मेमोरीज टाइम। 2K12 की ईद जो है वो दोबारा नहीं आनी। और बेस मैंने ऑलरेडी लगा ली हुई है, बीबी ये मैंने यूज़ की है। इंस्टेंट फेयर लुक है, मेकअप फिनिश है बीबी, तो ये बड़ी अच्छी है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ आज। मैंने
ये है जी मेरी ईद की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। स्ट्रेट हेयर्स मेन जो मेरा था आज की व्लॉग वो स्ट्रेट हेयर्स के बारे में था, तो क्योंकि ईद भी है इसलिए सोचा कि मेकअप भी थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो ये मैंने लाइट सा जो है वो मेकअप की है, आईलाइनर अप्लाई कर लिया है, लाइट सा जो है वो मैंने अपने आईज़ पे आई शेडो अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा चंक्स जो है वो ग्लिटर अप्लाई कर दिए हैं और शिमर और ब्लश ऑन शायद थोड़ा आप लोगों को कम नज़र आ रहा होगा इसलिए जो है क्योंकि मैंने कम ही लगाया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन अगर आप लोगों ने प्रेस नहीं किया तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।